I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star. हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना वायरस के वक्त में सब ठीक होंगे। मैं हूँ शेफ अर्चित उपल, ये है मेरे चैनल कोर्ट्स ऑफ बावर्ची। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉकटेल पिज्ज़ा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉकटेल पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए 225 ग्राम और मिल्क पाउडर चाहिए 10 ग्राम और दोनों को एक साथ सीव कर चुके हैं हम। बटर चाहिए 10 ग्राम। हमें चाहिए यीस्ट 10 ग्राम। चीनी 10 ग्राम। हमें चाहिए बेल पेपर्स रिंग्स की शेप में। हम पनीर को थिन स्लाइस में कट कर लेंगे। हमें चाहिए रिंग अनियंस, ग्रेटेड मोजरेला एंड प्रोसेस चीज़, बारीक कटा हुआ धनिया, ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। हमें डो बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करना है। हमें यीस्ट और शुगर को एक साथ डालना है गर्म पानी में, जिससे कि हमारी यीस्ट एक्टिव हो जाए। ये हमारी आज की टिप है। हम इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। हमें एक बर्तन में अपना मैदा डालना है। अब हमें इसमें अपना सॉल्यूशन डालना है धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना क्योंकि हमारा बैटर ख़राब हो सकता है। अब हमें इसको अच्छे से गूंद लेना है। अब हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपना 10 ग्राम बटर डालेंगे और इसको अच्छे से गूंदेंगे 10 मिनट तक के लिए। बाउल में हम मैदा छिड़क लेंगे और डो को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि डो हमारा चिपके ना। हम डो के ऊपर गीला कपड़ा डाल लेंगे और उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ देंगे, 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम अपने डो में एक पंच मारेंगे, जिससे कि इसमें से सारी CO2 गैस रिलीज़ हो जाए। इससे हमारा फर्मेंटेशन और फास्ट हो जाता है। यह है हमारी सीक्रेट ट्रिक। हम अपने डो को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर गीला कपड़ा रख लेंगे और इसको 1 घंटे के लिए फिर फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। हमारा डो अब फर्मेंट हो चुका है अच्छे से। हम डो को बाउल से निकाल के सरफेस पर रख लेंगे। अब हम अपने डो के ऊपर मैदा छिड़क लेंगे। अब हम अपने डो को बेलन से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। अब हम इसको सर्कल्स में कट कर लेंगे। आप कोई भी कटोरी या कटर ले सकते हो कट करने के लिए। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। अब हम इस पर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करेंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर अपने बेल पेपर्स रखेंगे। अब हम इसके ऊपर अपने ओनियन रिंग्स रखेंगे। अब हम इसके ऊपर पनीर की स्लाइस रखेंगे। थोड़ा कोरिएंडर डाल के इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। अब हम इसको गार्निश करेंगे मोज़रेला और प्रोसेस चीज़ से। हम इसको बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए। आवर कॉकटेल पिज़्ज़ा इज़ रेडी।
इफ यू लाइक द वीडियो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।